नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार कई दिनों से युद्ध जारी है, जो कई देशों पर माथे की लकीर खींच रहा है, जिसको लेकर कई देश और कई संगठनों ने यूक्रेन पर हमले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना की है। साथ ही रूस को कई मोर्चों पर अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। बैंकिंग, खेल से लेकर वोडका तक पर कई देशों ने और संगठनों ने बैन लगा दिया है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि रूस पर किन किन देशों ने क्या क्या प्रतिबंध लगाए हैं। देखिए प्राइम टीवी की एक खास रिपोर्ट। जब भी दुनिया की कोई छोटी और बड़ी इकोनॉमी आक्रामक होती है या फिर किसी दूसरी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आक्रामक देशों पर कई तरीके से आर्थिक प्रतिबंधों का सहारा लेकर उसे तोड़ने की कोशिश करती है। सैन्य तरीके से जवाब देना ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में दुनिया भर के बाकी देश आर्थिक प्रतिबंधों के साथ राजनयिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी खत्म करने का प्रयास करते हैं। इन प्रतिबंधों को लगाने में यूएनओ के साथ उन देशों का भी अहम रोल होता है जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दबदबा कायम करती हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप संघ भी शामिल होता है। अगर बात रूस की करें तो वो दुनिया के ऐसे पांच अहम देशों में से एक है जिसके पास यूएन सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता होने के साथ ही वीटो पावर भी है। यूक्रेन रूस जंग के बीच अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, इस पर अब दुनिया की नजरें टिकी हुई है। वह इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना पहला स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन दिया है। इस दौरान बाइडेन ने खुलकर रूसी राष्ट्रपति का विरोध करते हुए कहा कि रूस ने दुनिया की नींव हिलाने की कोशिश की है और रूस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और हम रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। इस दौरान बाइडेन ने ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर रहा है, जबकि अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री के अमेरिका में ट्रैवल पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा रूस के चार बैंक, रूस की बड़ी ऊर्जा कंपनी सहित 12 कंपनियों और रूस को निर्यात होने वाले रक्षा और एयरोनॉटिक्स उपकरणों पर भी बैन लगाया जा रहा है। रूस पर दबाव बनाने के लिए ब्रिटेन ने 5 रूसी बैंकों, बैंक रोसिया, ब्लैक सी बैंक, जेन बैंक, आईएस बैंक और प्रोमसवास बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा ब्रिटेन ने पुतिन और लावरोफ की सभी संपत्तियों और बैंक अकाउंट को फ्रीज करने और अपने हवाई क्षेत्र रूसी अरबपतियों के जेट विमानों के लैंडिंग पर भी बैन लगा दिया है। वही कनाडा ने भी रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया है। इससे रूस को व्यापार करने में अब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कनाडा ने रूस को मदद करने वाले बेलारूस पर भी कई तरीके के प्रतिबंध लगाए हैं। कनाडा ने रूस के करीब 60 प्रभावशाली व्यक्तियों और बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर बात करें यूरोपीय संघ की, तो इन्होंने भी रूसी राजनेताओं और अधिकारियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और रूसी बॉन्डों में व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है, जबकि जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोलर्स ने रूस पर प्रतिबंध लगाने के क्रम में नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को भी निलंबित कर दिया है। ये गैस पाइपलाइन जर्मनी के माध्यम से रूसी गैस को सीधे यूरोप से जोड़ती है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर इन प्रतिबंधों का कितना असर होता है, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि आज रूस और उसके राष्ट्रपति काफी शक्तिशाली हो चुके हैं। इन प्रतिबंधों से रूस को डराना और धमकाना काफी मुश्किल साबित होता दिख रहा है। रूस के पास चीन जैसे शक्तिशाली देश का भी अब साथ है। वहीं दूसरी ओर दुनिया के कई देश अब इस पूरे मामले पर बटे हुए हैं। जब रूस ने क्रीमिया को अपने देश में विलय किया था तो उस वक्त रूस पर भी कई प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसका भारत ने भी विरोध किया था। वहीं दूसरी ओर रूस आर्थिक दृष्टि से क्रिप्टो करेंसी को मंजूरी देकर कारोबार और ट्रांजैक्शंस के इशू को भी खत्म कर रहा है। लेकिन अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि रूस पर लगाए गए इन प्रतिबंधों का कितना असर होता है। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच घमासान युद्ध जारी है। रूसी सेना का यूक्रेन की राजधानी कीव और खारकीव में भयानक हमला जारी है। यूक्रेन के कई इलाके बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं और कीव पर रूसी सेना हावी होती जा रही है। दूसरी तरफ ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों की घर वापसी की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध, राजधानी कीव पर रूस की नजर, विदेशी छात्रों के लिए ढाल बना तिरंगा। रूस और यूक्रेन के बीच घमासान युद्ध जारी है। रूसी सेना का यूक्रेन की राजधानी कीव और खारकीव में भयानक हमला जारी है। यूक्रेन के कई इलाके पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। तबाही के मंजर को देखकर दुनिया में हर तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की घोर निंदा की जा रही है। लगातार बिगड़ते हालातों पर यूएन और अमेरिका इस तबाही को रोकने के लिए चेतावनी दे रहा है। तेल के दामों में भी इजाफा हो रहा है और हमलों के चलते पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन प्रतिबंधों का असर रूस की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। रूस की करेंसी रूबल में बड़ी गिरावट आई है। युद्ध का सातवां दिन है, लेकिन रूसी सेना एक के बाद एक हमले को बढ़ाती जा रही है। खेरसान शहर पर रूस ने कब्जा कर लिया है और कीव पर भी रूसी सेना हावी होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार की तरफ से छात्रों की वतन वापसी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को वापस लाया जा रहा है। युद्ध के बीच हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। दरअसल ऑपरेशन गंगा के तहत कई भारतीय छात्र वतन वापस लौटे हैं। इन छात्रों के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया के शहर से विशेष फ्लाइट उड़ाई जा रही है। यूक्रेन से रोमानिया के बुचारेस्ट शहर आए भारतीय छात्रों ने कहा कि कई चेक पॉइंट से सुरक्षित निकलने में तिरंगे ने न सिर्फ उनकी मदद की, बल्कि पाकिस्तानी और तुर्की के छात्रों की भी मदद की। बातचीत के दौरान मेडिकल स्टूडेंट्स ने कहा, हमसे यूक्रेन में कहा गया था कि भारतीय होने के नाते और तिरंगा रखने से हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। इन छात्रों ने यह भी बताया कि कैसे वो मार्केट से स्प्रे पेंट लाए ताकि भारतीय झंडा बनाया जा सके। आगे बताया कि युद्ध और रेस्क्यू के बीच कुछ पाकिस्तानी और तुर्की छात्रों ने भी भारतीय झंडे का इस्तेमाल कर चौकियों को पार किया। तुर्की और पाकिस्तानी छात्र भी भारतीय झंडे का इस्तेमाल कर रहे थे। खुद को भारतीय बताकर ही वो यूक्रेन से निकल पा रहे हैं। भारतीय झंडा उन पाकिस्तानी तुर्की छात्रों के लिए भी बहुत मददगार साबित हुआ। ऐसे मुश्किल वक्त में और युद्ध के बीच विदेशी नागरिकों के लिए भी भारत का तिरंगा पनाहगार बना है। भारतीय तिरंगा न सिर्फ सुरक्षा की गारंटी बना है, बल्कि उन्हें महफूज तरीके से यूक्रेन पार कराने में भी मदद कर रहा है।
पर ये युद्ध कब तक ऐसे ही चलता रहेगा इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। युद्ध से यूक्रेन में भारी तबाही जारी है। प्राइम टीवी के लिए अर्चना की रिपोर्ट। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है, ऐसे में सभी देश रूस पर लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं। वहीं भारतीय भी अपने छात्रों को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस युद्ध का परिणाम क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि सभी इस बात की ओर मांग कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे, शांति से बातचीत से इस मुद्दों को सुलझाया जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।